नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसाका में G20 बैठक में सामाजिक लाभ के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग की अपनी 5I सोच का उल्लेख किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों से गोदावरी नदी का पानी कृष्णा नदी पर बने श्रीसेलम परियोजना के लिए पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुणवत्ता शिक्षा के बारे में 5 वर्ष की योजना जारी की। सीरिया में सरकारी सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष में लगभग 100 लड़ाके मारे गए और ICC क्रिकेट विश्व कप में चेस्टरली स्ट्रीट में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक लाभ के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग की अपनी 5I सोच का उल्लेख किया। ओसाका में कल डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने समावेशन, स्वदेशीकरण, नवाचार, निवेश और ढांचागत तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया। ब्रिक्स नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटलीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसी तेजी से बदल रही प्रौद्योगिकियां वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए चुनौती बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक में आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओसाका में हुई ये त्रिपक्षीय बैठक प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समन्वयन का सार्थक माध्यम है। हमें रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं तथा संगठनों में आवश्यक सुधार पर जोर देता रहना होगा। निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा के संसाधन जैसे तेल और गैस कम कीमतों पर लगातार उपलब्ध रहने चाहिए। कोलिशन और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की पहल अल्प विकसित और विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायक होगी। इससे पहले कल दिन में प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और जर्मनी के चांसलर अंगेला मर्केल सहित विश्व के कई नेताओं के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओसाका में शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन सम्मेलन से अलग विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के साथ भी बातचीत की। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिखर सम्मेलन के चौथे और अंतिम सत्र में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और ऊर्जा पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज G20 सम्मेलन के निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा 6 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं श्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर हुए विशेष कार्यक्रम में भी शिरकत की। श्री मोदी अब से कुछ देर बाद इटली के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज टर्की के राष्ट्रपति और सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भी परस्पर हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। भारत रवाना होने से पहले श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भी मुलाकात होगी। सौभाग्य कर के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, ओसाका, जापान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने मिलकर काम करने और दोनों राज्यों के हर इलाके में कृषि, उद्योग और पीने के पानी के लिए नदियों का जल पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार दोनों मुख्यमंत्रियों ने संबंधित अधिकारियों से नदी जल के बहाव को बदलने की कार्ययोजना तैयार कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट 15 जुलाई तक प्रस्तुत करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों तेलुगु भाषी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कल हैदराबाद में सभी लंबित मुद्दों के सद्भावपूर्ण समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक आज भी जारी रहेगी।
दोनों राज्य सरकारें पहली बार नदियों के जल बंटवारे के मुद्दे पर सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत में इस बात पर सहमत हुई कि गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी का इस्तेमाल दोनों राज्यों की जनता के अधिकतम लाभ के लिए किया जाए। गोदावरी नदी के अतिरिक्त पानी के बहाव को बदलकर इसे कृष्णा नदी पर स्थित श्रीसैलम परियोजना के लिए पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने बिजली और दिल्ली में आंध्र भवन जैसी संपत्तियों के बंटवारे पर भी चर्चा की। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने फिर कहा है कि सरकार देश से सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने और इस काम में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस संबंध में कौशल विकास प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और मौद्रिक सहायता सहित सरकार के विभिन्न उपायों का उल्लेख किया। श्री गहलोत कल राज्यसभा में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा द्वारा रखे गए गैर सरकारी सदस्य के प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने 5 वर्ष की योजना शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम एजुकेशन अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम को अंतिम रूप देकर इसे जारी कर दिया है। प्रत्येक मंत्रालय के लिए 5 वर्ष की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिए जाने के प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुरूप EQUIP को अंतिम रूप दिया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस योजना को तैयार किया गया है। वरिष्ठ शिक्षाविदों, प्रशासकों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधित्व वाले विशेषज्ञ समूहों ने 50 से अधिक पहल का सुझाव दिया है, जिनसे उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आएगा। सीरिया के उत्तर पश्चिमी 2 गांवों पर सरकारी सेना के फिर से नियंत्रण की कोशिश में कल सैनिकों और विद्रोहियों सहित लगभग 100 लोग मारे गए। ब्रिटेन स्थित सीरियाई मानवाधिकार निगरानी संस्था ने बताया कि जुबेन और तेलमिन गांवों को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के संघर्ष में 51 सैनिक और 45 विद्रोही मारे गए। मानवाधिकार निगरानी संस्था के अनुसार अप्रैल से लगातार जारी संघर्ष में 682 सैनिक और 821 विद्रोही मारे गए हैं। हवाई हमलों में 490 नागरिकों की भी मौत हुई है। कांगो के दक्षिण पूर्व में तांबे की खदान का एक हिस्सा ढह जाने से 43 अवैध खनिक मारे गए हैं। लुआलबा प्रांत के गवर्नर रिचर्ड म्यूएज ने कल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बृहस्पतिवार को हुई इस दुर्घटना में खदान के 2 गलियारे पूरी तरह दब गए। मरने वालों की संख्या के बारे में अलग अलग खबरें आ रही हैं। रेड क्रॉस और कुछ अन्य संगठनों ने मृतकों की संख्या 60 से 80 के बीच बताई है। कांगो गणराज्य में अवैध खनन काफी आम है और अक्सर ये घातक साबित होता है। गुजरात में कच्छ जिले के कई स्कूलों ने बच्चों को आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए प्रेरित किया है। इस कार्यक्रम में देश के भविष्य से जुड़े विभिन्न वास्तविक मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चर्चा को देखते हुए कई स्कूलों ने इस अवसर को नए भारत के निर्माण के लिए देश के भावी नागरिकों से जुड़ने का माध्यम बनाया है। भुज में मातृछाया बालिका उच्च न्यायालय ने बच्चों को मन की बात कार्यक्रम से जोड़ने का विशेष प्रयास किया है। विद्यालय के शिक्षिका सुश्री जागृति वकील ने बताया कि छात्राओं को रविवार को घर पर आकाशवाणी से कार्यक्रम सुनने को कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने विद्यार्थियों से बातचीत की। मेरा नाम उर्वशी संजय भाई सोनी है। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। देश के अनजान कोने में बसने वाले ऐसे लोग जो बड़ा काम करते हैं, परिवर्तन के लिए जिंदगी समर्पित करते हैं, उनके बारे में मोदी जी हमें बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मन की बात सबको अवश्य सुननी चाहिए। मेरा नाम भक्ति मितेश भाई दवे है और 12वीं कक्षा में अभ्यास करती हूँ। परीक्षा देने के लिए जब मोदी जी ने हमें प्रेरित किया तो लगा कि ये प्रधान सेवक के साथ उत्तम शिक्षक भी है। मन की बात दोबारा शुरू हो रही है, उनका हमें आनंद है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल दिल्ली और NCR में भूकंप को लेकर कई राज्यों में अभ्यास किया। इसका उद्देश्य उच्च तीव्रता के भूकंप के स्थिति की विपरीत प्रभाव में कमी लाने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों और बचाव व्यवस्था का समुचित अभ्यास करना था। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मंडलायुक्त के आपात आपदा केंद्र में अभ्यास के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा भी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची में 17 अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को शामिल किया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कश्यप, मल्लाह, कुम्हार, राजभर, प्रजापति समेत पिछड़े वर्ग की 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
ये प्रमाण पत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश और निर्देश के आधार पर जारी किए जाएंगे। राज्य की दो पिछली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने अन्य पिछड़ा वर्ग की इन 17 जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल कराने के प्रयास किए थे, जो सफल नहीं हुए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के चेस्टरली स्ट्रीट में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर और 3 गेंद में 203 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट खोकर 37 ओवर और 2 गेंद में 206 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज हेडिंगले में दोपहर बाद 3 बजे पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। लॉर्ड्स में एक अन्य मैच में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। बर्मिंघम में कल दिन में 3 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने कल असम राइफल्स के 14 जवानों को वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए स्वर्ण और रजत पदक से अलंकृत किया। शिलांग में राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने पिछले 184 वर्ष से पूर्वोत्तर के दुर्गम क्षेत्रों में असम राइफल्स की सेवा और समर्पण की सराहना की और आगे भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया। पूर्वोत्तर राज्यों में असम राइफल्स की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्यपाल के स्वर्ण और रजत पदक की शुरुआत 1957 में की गई थी। आज सांख्यिकी दिवस है। दैनिक जीवन में सांख्यिकी का उपयोग बढ़ाने और नीति निर्माण में सांख्यिकी की उपयोगिता से लोगों को अवगत कराने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है सतत विकास लक्ष्य। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में प्रोफेसर पीसी महलनोबिस के योगदान के स्मरण में उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद लवलीन। जापान के ओसाका में अमरीकी राष्ट्रपति के बदले सुर बोले, भारत से इतनी करीबी रिश्ते कभी नहीं रहे। दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, जापान में मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त कहा, लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत की दी बधाई। गृहमंत्री अमित शाह के इस स्पष्ट संदेश को भारत का विरोध करने वालों के मन में भय है और होना भी चाहिए, ये और बढ़ेगा, को अमर उजाला ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने को मंजूरी, आरक्षण संशोधन बिल भी पारित। सोशल मीडिया को आधार से जोड़ा तो निजता की लग जाएगी बोली, मद्रास उच्च न्यायालय की ये टिप्पणी राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर सरकारी आईडी जरूरी करने की भी याचिका दायर की गई है। नई दिल्ली नगर पालिका का ये फैसला कि कनॉट प्लेस की इनर सर्किल में रविवार और सोमवार को सुबह 9 से रात 9 बजे तक नहीं चलेगी गाड़ियां, हिन्दुस्तान ने पहली खबर बनाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसाका में G20 बैठक में सामाजिक लाभ के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग की अपनी 5I सोच का उल्लेख किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों से गोदावरी नदी का पानी कृष्णा नदी पर बने श्रीसेलम परियोजना में पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुणवत्ता शिक्षा के बारे में 5 वर्ष की योजना जारी की। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष में लगभग 100 लड़ाके मारे गए। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में चेस्टरली स्ट्रीट में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।